नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल का नाम है ऑनलाइन सेलिंग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है दोस्तों कस्टमर रिटर्न रीजन। दोस्तों आपने इससे पहले काफी वीडियोस देखी होंगी जिन पे कस्टमर रिटर्न के बारे में बताया जा रहा है, कुरियर रिटर्न के बारे में बताया जा रहा है, उसको कम कैसे करें उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन मेन पॉइंट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। दोस्तों मेन पॉइंट क्या है, क्यों हो रहे हैं कस्टमर रिटर्न, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला है दोस्तों कस्टमर रिटर्न का रीजन हमें जानना जरूरी है बहुत ज्यादा। आपने अपने रिटर्न्स की टैब खोली है, चाहे वो कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, आपने उसमें रिटर्न्स में जाना है, रिटर्न्स में जाके उसके रीजन चेक करने हैं, जो आपको 70% रीजन शो कर रहे होंगे डिपेंडिंग अपॉन कलर, साइज, क्वांटिटी और वेरिएशंस, किसी भी रीजन की वजह से आपको जिसके 70-80% रिटर्न आ रहे हैं, मान लीजिए 60% रिटर्न आ रहे हैं, अगर आपने उसको क्रैक कर लिया ना, आपका एक तो प्रोडक्ट बच गया, रेटिंग बच गई, सेल बच जाएगी। और अगर आपने उस चीज को क्रैक कर लिया कि आपके क्यों रिटर्न्स आ रहे हैं और उसको हमने कम कर लिया या उसको चेंज कर लिया, बंद नहीं किया, बंद किसी चीज को दोस्तों खत्म कर देना या उस चीज को मार देना उसका सॉल्यूशन नहीं है, उस चीज को बदल के और इम्प्रूव करना उसका वो सॉल्यूशन कहलाया जाता है। तो हमने उसको क्या करना है, हमें उसको चेंज करके उसमें वेरिएशन ला के, इम्प्रूवमेंट ला के और अच्छा करना है। जैसे सपोज कीजिए आपने एक शोकेस बेच रहे हैं, क्रॉकरी बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें डैमेज का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। आपने क्या किया उसमें, आपने उसकी पैकेजिंग डबल कर दी, इम्प्रूव कर दी, 70-20% रिटर्न हो गए उसके ऑटोमेटिकली। उससे फायदा किसको हुआ, आपको। दूसरी चीज़, कस्टमर रिटर्न के पैसे किस पे लगे, आप पे लगे। तीसरी चीज़, आपको उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा जब आपकी सेल होगी और आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे उस चीज़ से। ये सोचिएगा दोस्तों, आपको अगर ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इससे और ज़्यादा पैसे आपको कमाए जा रहे हैं, तो दोस्तों इसमें बुराई क्या है, इसमें आपको तो सीधी सीधी आपको मार्जिन अच्छा मिल रहा है ना, आपको इस पे ज़्यादा कमाई मिल रही है, मेन बात यह है। तो आप उस पर कमाएं, अच्छा कमाएं, अच्छा बेहतर काम करें और अच्छे से अच्छा सेल करें। रीजन ढूंढें दोस्तों, आप अपने रिटर्न्स के टाइम में जाएं, डेली 1-2 घंटे वहां बिताएं, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि मेरे रिटर्न्स किस वजह से और कौन से SKUs पे आ रहे हैं। उन SKU को आपने इम्प्रूव कर लिया ना, तो आपके सीधे सीधे 40-50% रिटर्न्स कम हो जाएंगे। और जो दोस्तों पहले की बात करते हैं कि कस्टमर को कॉल करना, पैकेजिंग इम्प्रूव करना, कस्टमर रिटर्न्स में SKU बंद कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब इम्प्रूव करें, आपको आगे फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल ऑनलाइन सेलिंग टिप्स।